गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 7 माय इंडिया। यस्टरडे वी डिड स्टेट्स एंड कैपिटल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गवर्नमेंट। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड टू प्रोटेक्ट द कंट्री। स्टूडेंट्स, as we are living in at home, then who take care of our family? कौन करता है हमारी फैमिली की टेक केयर? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऐसे ही if we are living in country, then somebody we want to take care of our country. तो हमारी कंट्री की भी टेक केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं एक। ओके, एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट आर कंट्री। पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट बाय कास्टिंग आर वोट। वी चूज द पीपल एंड मेक आर गवर्नमेंट। हमें अपनी गवर्नमेंट चूज करने का हक होता है। हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स घर पे आपके पेरेंट्स भी वोट देने जाते हैं, इलेक्शन होता है जब, तो वो किस लिए होता है? कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है? टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है हमारी? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं वो हमारे न्यू दिल्ली में हैं। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ पर बैठते हैं? दे लिव एंड वर्क, ये काम करते हैं कहाँ पर? न्यू दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये उसकी कैपिटल है। बिकॉज न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दे लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट द होल कंट्री। ये सारा देखते हैं सब काम और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ स्टेट गवर्नमेंट? इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री। आपको पता है ना, यू आर लिविंग इन इंडिया एंड इट इज़ वेरी बिग कंट्री। द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पीपल ऑल ओवर द कंट्री। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री, कितनी बड़ी कंट्री है ना, तो एक साथ सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट बना दी, स्टेट गवर्नमेंट। सो द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स। तो हमारी जो कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, इट इज़ वेरी बिग, बहुत बिग है, तो इसको क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जिन पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हमने क्या नेम दिया? स्टेट्स। जो आपने कल पढ़े थे ना सारे स्टेट्स, वो नाम दिया और पूरी कंट्री को उसमें डिवाइड कर दिया। सो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? 28 स्टेट्स। अब 28 स्टेट्स में पूरी कंट्री को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। द पीपल ऑफ ईच स्टेट वोट एंड चूज देयर ओन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब स्टेट गवर्नमेंट को चूज़ करने का हक भी हमें है। हम एज़ वी आर द पीपल ऑफ आर कंट्री, तो हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट।
जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट है वो अपने उसी स्टेट को देखती है, उसकी टेक केयर करती है, उसके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ईच स्टेट हैज़ अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु लिव एंड वर्क इन इट्स कैपिटल। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और अदर मिनिस्टर्स होते हैं जो कहाँ पर बैठते और काम करते हैं, दे लिव एंड वर्क इन द कैपिटल, जो उसकी कैपिटल में बैठते हैं। जैसे कि अब हमारी क्या है, वी आर लिविंग इन हरियाणा स्टेट, हम कहाँ रहते हैं, हरियाणा स्टेट में, और कैपिटल क्या है हरियाणा की, चंडीगढ़। सो ऑल द गवर्नर, जो भी हमारे स्टेट के हरियाणा के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, वो कहाँ बैठते हैं, वो चंडीगढ़, मतलब मेन ऑफिस जो है उनका वो चंडीगढ़ में होगा। वैसे वो कहीं भी रहें बट द मेन ऑफिस इज़ इन चंडीगढ़। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, आई टोल्ड यू अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स वी विल रीड टुमारो।